दूसरी लाइन आपके कलेजे को छीलती चली जाए। उस भगत सिंह ने कहा कि माँ, तू एक बेटे की शादी करना चाहती थी, लेकिन आज तीन तीन तेरे बेटे हैं, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। तेरे तीनों बेटों की शादी होगी, लेकिन शादी कैसे होगी, दूल्हा कैसे बनेंगे, लगन कैसे लिखी जाएगी हमारी, हमारे बाराती कौन होंगे। सज्जनों, एक एक लाइन सुनने लायक। किरोने आली अरे बात न माता, अरे तू तो गीत खुशी करी गाले, अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने खले है प्याले, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने खले है प्याले। ये रोने वाली बात न माता, रोने वाली बात न माता, गीत खुशी के गाले, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जनार्दन। बड़े बुद्धिजीवी लोग हुआ करते हैं जो अपने देश के शहीदों की रागनियों पर, अपने देश के शहीदों की गीतों पर जो कलाकार का मान सम्मान करके करते हैं। नाम नहीं बता के गए हैं भाई साहब, लेकिन 100 रुपए का पुरस्कार देख के गए हैं शहीद भगत सिंह की रागनी पर खुश होकर के। मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। सज्जनों, अपनी मां को वो देश का दीवाना। और पंडित जी, बिरादरी भाई, राजेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। कहने लगा, रीमा लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, वाह माँ, लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, और जहां पे दर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। माँ, उन गोरों के सामने, उन अंग्रेजों के सामने मैं झुकूंगा नहीं, सर को कटा दूंगा, लेकिन तेरी कोख को नहीं लजाऊंगा। वाह पंडित जी, क्या कहने लगा दूसरे। भारत भारत बैंड जयश्री भाई की तरफ से 111 रुपए का पुरस्कार दिया गया है, ताली बजा के स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगत सिंह के ब्याहने की मन की
भाइयों से पूछना चाहूंगा, रागनी अच्छी लग रही है? मैं मेहनत कर रहा हूं तो एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद भी दे दें। प्रेमी सज्जनों, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूं अपने नौजवान भाइयों से, नौजवानों वही जोश, वही जुनून, वही खून है हमारा जो कभी अंग्रेजों के सामने झुका नहीं। कट तो गया लेकिन झुका नहीं, उन्हीं के वंशज हैं हम सब, लेकिन हम आज भूलते जा रहे हैं क्योंकि गलत कुरूतियों पर नशे के चक्कर में चल रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, दो कली आपने नहीं सुनी होंगी इस रागनी की, लेकिन इस कली को आप ध्यान से सुनिएगा। उस भगत सिंह ने अपनी माँ को समझाया, माँ सुन, मैं कैसी दुल्हन लाना चाहता हूं और मेरी लगन कैसे लिखेगी, हम तीनों भाई दूल्हा कैसे बनेंगे, और जो हाथों में कंगना पहनाया जाता है दूल्हा को, वो कंगना क्या होगा, हमारे सर पर सहरा कैसा होगा। एक एक लाइन सुनने लायक सज्जन, क्या बता दिया। अंग्रेज लिखेगा और फिर क्या होगा, क्या ए तेरे पूत का लगन लिखे माँ गोरे टोपे वाला री, कंगने की जगह, कंगने की जगह तेरे पूत के बढ़िया लोहे का ताला री, कंगने की जगह तेरे पूत के बढ़िया लोहे का ताला री, इस तक ते ऊपर हो ये बरोटी, तीनों बेटों को फांसी लगेगी, फांसी लगाते समय जब वो काला टोपा पहनाया जाता है, तो ये समझ लेना तेरे बेटों ने सहरा सजा लिया है। वाह। और अब तैयारी क्या है, तेरे लिए दुल्हन लाने की तैयारी है। और सजना, अपनी माँ के लिए दुल्हन क्या बताई कि माँ तेरे लिए फिर मैं दुल्हन कैसी लाऊंगा, क्या नाम होगा उसका, ए सहरे की जगह पूत ने करते हैं मेरे लाडले मित्र हैं आदरणीय भरतलाल सहरावत जी, जो कि देश के बड़े अच्छे दीवाने हैं, वीरों से प्रेम करते हैं, स्पेशल 500 रुपए का पुरस्कार मुझे दिया है, आज टीम को सजो करके लाए हैं लेकिन स्पेशल 500 का पुरस्कार दिया है। और जवान म्यूजिक के डायरेक्टर साहब भाई पवन जून जी, जो दिल्ली से हमारे बीच में है, मैं ताली बजाऊं इनके लिए भी एक बार जोरदार, इन्होंने भी 500 रुपए का पुरस्कार दिया है। कमेटी चाहेगी पूरा प्रोग्राम आप 3-4 दिन के बाद जवान म्यूजिक पर आप अपने मोबाइलों के माध्यम से देख सकते हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार गुप्त दान नौजवानों ने दिया है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सजनों, बताया कि तेरे पूत का लगन लिखे माँ वो गोरा टोपे वाला री, कंगने की जगह तेरे पूत के पड़ा लोहे का ताला री, अरे इस तख्ते ऊपर हो वे बारोटी, फंदा है बरमाला री, और सहरे की जगह तेरे पूत ने ओढ़ा टोपा काला री, मैं तो आजादी ने ब्याहवन चाला,
तू तो खुद बेटे ने ब्याले और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने खड़े हैं ब्याले। वाह सजनों ऐसे समझाने लगा और तीसरी अंतिम कली में किस प्रकार से अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं दूल्हा तो बन जाऊंगा लेकिन बारात में बाराती भी होते हैं, वो बाराती कौन होंगे और जब बाराती होंगे तो बैंड बाजे वाले भी होते हैं। सजनों खोल खोल कर बता दिया अंतिम बात में क्या साहब ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। मेरे बड़े भाई इधर से भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं वीरों की रागनी पर खुश होकर के। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे नौजवान भाई नाम बताओ संदीप भाई। संदीप भाई आपका जज्बा आपका जुनून देखकर मैं आपको बहुत बहुत सलूट करता हूँ। आपने भगत सिंह की रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सजन भगत सिंह कहता है किस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों। वाह इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से कहां तक डरूं जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। घर ले लिया है भाई वाह। मरने से भय नहीं है माँ। और सुन सुन माँ मेरे बाराती कौन होंगे। राम नरेश में है नरगा में